गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी पूजा तो मैंने कर ली थी, अब पायल नहा ली है, नहा के बांध रही है कन्हैया जी को राखी, तिलक लगा रही है, उसके बाद तिलक के बाद चावल, और अब बांधेगी राखी। तो वो राखी को पहले बांध के थोड़ा छोटा कर रही है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं ना, नहा धोके तो थोड़ा सा कि वहाँ बांधेगी नहीं, तो मैं पहले तैयारी करके तब उनको पहनाएगी चूड़ी की तरह, तो इस तरह हो जाएगा। और पायल ही बांधती है हर साल कान्हा जी को राखी, देखो छोटी सी प्यारी सी राखी है जो कान्हा जी को बांध रही है, ये बांधी है। आज जो घर में मीठा बनाया है मैंने, ये जमे बनाए हैं, उन्हीं से भोग लगाएगी, क्योंकि लड्डू का भोग मैंने, लड्डू बनाए थे तो लड्डू का भोग मैंने लगा दिया था, और बाज़ार से मीठा नहीं लाए थे क्योंकि घर में ही बना है, तो इसलिए बाज़ार का मीठा नहीं लाए हैं। और आज के दिन में ना मिलावट वाला मिलता भी बहुत मिलावट वाला है, तो इसलिए घर के ही बने से लगा रहे हैं भोग। तो पहल जौ से भोग लगाएगी भगवान जी को, और हमने आज ही बना ली है 11 तारीख में रक्षाबंधन, क्योंकि इसकी बुहार आज ही आ गई थी, तो आज ही बना ली है हमने। तो पायल ने राखी बांध दी है, भोग लगा दिया है भगवान जी को, और अब तो है नहीं है तो बस कान्हा जी को ही बांध दिया, अब को तभी बांध दी थी। और आज पायल ने ये वाली ड्रेस वेयर की है, प्यारी लग रही है बहुत। हेलो नमस्ते जी, सभी को राधे राधे, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां रक्षाबंधन की। और सारी तैयारी होगी है, पूजा होगी है, पायल ने राखी भी बांध दिया लड्डू गोपाल को, और खाना भी बन गया है। क्या क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इंतजार हो रहा है दीदी ईयर का, दीदी हापुड़ वाली भी नहीं आएंगी और छोटी दीदी भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी ससुर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो बस मेरठ वाली दीदी आएंगी, क्योंकि ये आए हुए हैं तो इनके लिए, और मेरे भाई भी शायद आ रहे हैं, और बड़े वाले जीजा जी आएंगे बादलपुर वाले, तो देखते हैं कौन कौन आता है, आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मिलते हैं जब जब दीदी यार आ जाएंगी, देख लेते हैं खाने में क्या बना है। खाने में बना है मटर पनीर, ये मैंने तैयार करके रख दिया है, मलाई डाल रखी थी, चलाई नहीं थी तो अभी चला देती हूँ। तो ये मैंने बनाया है मटर पनीर, और बनाई है मिक्स वेज। मिक्स वेज में मैंने गोभी, बीन्स, पनीर, आलू, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें डाली हैं, और मटर। तो ये मिक्स वेज है, ज़्यादा मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा ही घुट जाएगी। और मीठे में बनाए हैं जवे, और रायता भी बना रखा है बूंदी वाला रायता, मैं अभी छोंक नहीं लगाया, से रखा और आटा भी लगा के रख दिया कि जब सब आएंगे तो मैं तभी साथ साथ रोटियां पूरियां जो भी सब खाएंगे वही सेक के दे दूँगी। और मेरा बाकी काम भी सारा हो गया है, मैंने किचन बिल्कुल क्लीन करके छोड़ दिया है, और अब हम वेट कर रहे हैं इसकी बुआ के आने का, और मेरे भैया आएंगे उनका, ताऊ पायल के ताऊ का बेटा आएगा, उसका वेट कर रहे हैं। सारा हाँ, वेरी गुड। मौज आ रही है पायल की। नहीं ये गाजर है ना, मतलब है वैसे आप एप्पल नहीं बनाते हैं।
ऐसा ना आएगा, एक और मार दो फालतू काट देंगे भाई। अभी मैं ना वो पूरा प्ले हो जाए पूरा भले रोटी एक खाएंगे लेकिन चावल खाने लगे चाहे सूखी सब्जी। दीदी आप भी मान दो। मम्मा जी नमस्ते। एक अम्मा आवे देखा मेरठ से जब कभी आवे उनकी बेटी है। ओते देखो से छोड़ दे जवान नहीं दे फाइल बना है छोटे अब ये गीता की ओर बांध दियो तू। हां वो कहां है? दस बड़ी खाओ खूब वजन बढ़ाओ। मैं बढ़िया मेरा ना व्रत हो जावे आज के जैसे कुछ होया तो मेरा भी है मैं बच जाऊं मीठा खाने से। हां तुम ना बांध देना अभी किसके कितनी छोटी सोनी सी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और राधे राधे।